अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। तभी तो हमारे पुराणों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे तो गुरु के प्रति सम्मान जताने के लिए हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने आध्यात्मिक गुरु की पूजा आराधना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो शख्स हमें भौतिक जगत से रूबरू करवाता है वो हमारा शिक्षक है। हमारे जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सभी ताउम्र कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे में जो कोई भी हमें दुनिया जहाँ के बारे में कुछ बताता है वो एक तरह से हमारा शिक्षक हुआ। जैसे किसी बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, उसके बाद ही वो पिता या परिवार के बाकी लोगों से सीखता है। थोड़ा बड़ा होता है तो भाषा इशारे समझने लगता है। धीरे धीरे भाषा की समझ बढ़ती है तो उसे स्कूल भेजा जाने लगता है, क्योंकि स्कूली शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी किसी पौधे के लिए खाद पानी। जैसे बिना खाद पानी के पौधा सूख जाता है, वैसे ही स्कूली शिक्षा के बगैर किसी बच्चे का पूर्ण विकास संभव नहीं। बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो वहां उसे मिलता है शिक्षा। शिक्षक किसी भी स्कूल का सबसे अहम किरदार होता है। शिक्षक वो कुम्हार है जो बालक रूपी गीली मिट्टी को सही आकार देता है। वो चाहे तो उस मिट्टी से बढ़िया सा घड़ा बना दे या फिर कुछ और। यानी शिक्षक ही बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बनाता और संवारता है। इसलिए उसे समाज और राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। इसी समाज और राष्ट्र के निर्माता को सम्मानित करने के लिए हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति विद्वान दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को बतौर शिक्षक दिवस मनाए जाने के पीछे कहानी है। दरअसल 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला तो उनके छात्र 5 सितंबर को यानी उनके जन्म दिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास पहुंचे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे जन्मदिन को आप लोग बतौर शिक्षक दिवस मनाएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि समाज के निर्माण में शिक्षकों का अमूल्य योगदान है। बता दें कि डॉक्टर राधाकृष्णन खुद भी एक विद्वान शिक्षक रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने तमाम सुधार किए, जिसकी वजह से उन्हें सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका मानना था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। शिक्षक दिवस पर देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को प्रोत्साहित और उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन में भी समृद्ध बनाया है। इस साल भी 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा देश भर के स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तमाम छात्र अपने शिक्षकों को ये कहते हुए आभार जताएंगे कि उनकी दी हुई शिक्षा से ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और जीवन में सफलता हासिल की है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।